गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट्स वी कंटिन्यू द चैप्टर 8, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. सो टुडेज टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स ग्रो आउटसाइड, ऑलवेज गेटिंग एक्सपोज टू एटमोस्फेरिक एयर. एज यू नो, लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स ऑन देयर सरफेस, लोअर सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा. The air can freely enter through these holes. So respiration take place by the plants through the stomata. Stomata छोटे छोटे pores होते हैं, holes होते हैं leaves पर. Leaves की जो surface होती है उसके ऊपर छोटे छोटे pore present होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, stomata. और इन stomata के through ही exchange होता है gases का, carbon dioxide, they take the carbon dioxide and release the oxygen during the photosynthesis. And also in respiration they take oxygen and release carbon dioxide. In stomata or holes ke through hi respiration mein atmospheric air yani ki oxygen enter karti hai stomata ke through, aur jab wo use ho jati hai to carbon dioxide stomata ke through hi atmosphere mein release hoti hai. Stomata are guarded by kidney shaped सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. स्टोमेटा गार्ड सेल्स से सराउंडेड रहती है. इसकी शेप किडनी शेप की होती है. और जब दो गार्ड सेल ये इन्फ्लेटेड हो जाती हैं ड्यू टू वाटर, वाटर इनके अंदर एंटर करता है गार्ड सेल में, तो इसकी वजह से ये फूल जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. एंड वेन द गार्ड सेल्स गेट डीफ्लैटेड फ्लैसिड द स्टोमेटा गेट क्लोज. और जब इनमें से पानी बाहर निकल जाता है तो गार्ड सेल डिफ्लैटेड हो जाती हैं, पिचक जाती हैं, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. द स्टोमेटा आर फुली ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एज प्लांट्स वुड परफॉर्म ट्रांसपिरेशन अलॉन्ग विद रेस्पिरेशन. स्टोमेटा डे टाइम में पूरी तरह से ओपन होते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन के साथ साथ ये ट्रांसपिरेशन भी परफॉर्म करते हैं डे टाइम में. एट नाइट द स्टोमेटा आर क्लोज. However, the exchange of gases for respiration would take place through the leaf and stem surface. रात के समय स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. और कभी कभी जो ये एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का रेस्पिरेशन में, ये लीफ के थ्रू तो होता ही है और स्टेम सरफेस के थ्रू भी होता है. इन द डायग्राम ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा. ओके, एंड दीज स्टोमेटा सराउंडेड बाय द गार्ड सेल. दीज गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू देयर एंटायर बॉडी सरफेस, स्पेशली द लीव्स. रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर पूरी बॉडी सरफेस से होता है, स्पेशली लीव्स के थ्रू. द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज मच हायर देन दैट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्लांट सेल, जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है. सो ऑक्सीजन डिफ्यूज इन टू द सेल, इसीलिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन सेल्स के अंदर चली जाती है. डिफ्यूज मीन्स गोज. ओके, सो सिमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज आउट इन टू द एयर एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन साइड द सेल देन आउटसाइड. और इसी के साथ साथ जब ये डिफ्यूज होती है सिमल्टेनियसली, इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर आ जाती है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का सेल्स के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड. दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड टेक्स प्लेस थ्रू आउट द डे एंड नाइट. और इसी को कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का एंटर करना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना स्टोमेटा के थ्रू, इसी को कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और ये दिन रात थ्रू आउट द डे एंड नाइट चलता रहता है. द रूट सेल यूटिलाइज एयर इन द सॉइल फॉर रेस्पिरेशन. और रूट्स भी होती हैं, रूट्स क्या करती हैं, सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्व करती हैं, उसमें भी रेस्पिरेशन होता है. तो मतलब कि वो भी रूट्स जो हैं वो भी सॉइल से एयर को एब्जॉर्व करती हैं. प्लांट्स लिविंग इन वाटर यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन. प्लांट्स जो पानी में रहते हैं वो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो वाली ऑक्सीजन यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन. नाउ प्लांट्स रेस्पायर थ्रू देयर रूट्स. प्लांट्स में रेस्पिरेशन रूट्स के थ्रू भी होती है. Roots under the soil respire by taking in oxygen that is present in the air space between the soil particles. मैंने अभी बताया था
कि सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है और वो उस गैप के अंदर एयर फिल रहती है। तो रूट्स जो कि सॉइल के अंदर हैं इस एयर को अंदर ले लेती है, सेल्स के थ्रू एयर अंदर चली जाती है एंड द रूट हेयर दैट रीच द एयर एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन। और जो छोटे छोटे हेयर निकले रहते हैं मेन रूट से या फिर रूट से, वो उनको कहा जाता है रूट हेयर। सो ये रूट हेयर हेयर जो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है बाय द अदर सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। और यही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज़ की जाती है सेल्स के थ्रू। द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ गिवन आउट बाय द सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑल्सो लीव्स द रूट्स थ्रू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स के थ्रू बाहर निकली है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ओके, वो लीव्स और लीव्स द रूट्स को छोड़ देती है थ्रू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। और जैसे उसने एब्जॉर्ब किया था सेम ऐसे डिफ्यूज़न प्रोसेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। नाउ चिल्ड्रन वी विल डू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ डू फिश रेस्पायर। सो आंसर इज़ रेस्पिरेशन द प्रोसेस दैट इंक्लूड ब्रीदिंग इन ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग इट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द लिविंग सेल्स एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नोन एज रेस्पिरेशन। नाउ आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन हाउ डू फिश रेस्पायर। सो आंसर इज इन फिशेज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर व्हेन इट पासिस ओवर द गिल्स। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गिल्स फिलामेंट विद अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज। द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंटर्स द ब्लड कैपिलरीज। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन कैपिलरी ब्लड इज रिलीज इन टू वाटर। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इज टेकन टू हार्ट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू विच हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन टू गिल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सो चिल्ड्रन डू दीज टू क्वेश्चन इन योर नोटबुक। थैंक यू।